दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल रविंद्र सिंह में। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं आज अपने खेत पर, जो कि वहाँ का नज़ारा देखेंगे कि कैसा माहौल है खेत पर। तो चलिए चलते हैं खेत की ओर। ये हमारी बाइक रखी हुई है, जो कि हम बाइक से जाएंगे। तो देखते हैं आगे और क्या इंटरेस्टेड होता है। तो चलिए चलते हैं खेत पर। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं आगे हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने खेत पर, जो कि मैं आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाऊंगा, जो कि मेरे खेत पर मैंने मूंग बोई थी, तो उसका क्या हाल है आगे जाके देखते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो ये मेरा टपरा है, जो कि इस टपरे में भूसा रखा रहता है, जो कि मैं आप लोगों को अभी पास से दिखाऊँगा। और इस खेत में मैंने मूँग नहीं बोई थी, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और ये नल लगा हुआ है, ये भैंसों को लोनने के लिए एक खच्चा भर दिया था हम लोगों ने। ये हमारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि इसमें अमियाँ हैं। ये हमारी जामुन है, जो कि अभी पकी नहीं है, जो कि आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। ये तारवारी है, देखिए इसमें से हम लोग जाएंगे अंदर, जो कि टटाल उसमें जराटा लगे रहते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से नहीं जाते, यहीं से जाएंगे। हम निकल आए हैं अंदर, अपने खेत के अंदर आ चुके हैं। जो कि ये भक्कू, इसमें मैं भूसा ले जाऊंगा अभी शाम की टाइम। और देखिए इसमें एक भूसा भरा है, जो कि दिख रहा होगा आप लोगों को इस घर में। देखिए इसमें भूसा, इस वाले में, इस टपरे में इसका अलग से द्वार है। इसमें देखिए, इसमें भूसा पूरा पैक है, जो कि भूसे से। और जो कि देखिए एक खपड़े हैं, जो कि ये मैंने ऊपर से भूसा डाला था, तो एक खपड़े ने छाना पड़ेगा, नहीं तो बरसात में ये पानी भर जाएगा तो सारा भूसा बेकार हो जाएगा। और कुछ भूसा मैंने यहाँ रख दिया था, देखिए ये रखा हुआ है, और आधा मैंने इस तरफ रख दिया था, जो कि बहुत भूसा लगता है। देखिए मैं इसका वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए जो कि ये मेरे आम लगे हुए हैं। देखिए मैं अभी पास से दिखाऊंगा आप लोगों को आम की फोटेज, और ये वाला आम मेरा फरा नहीं था। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने आम के पास में, जो कि देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए एक गुच्छा आम का लगा हुआ है, जो कि एक ए लगा है, ए लगे हैं, बहुत सारे आम लगे हैं जो कि। और इस वाली डगार में भी बहुत सारे आम लगे हैं, जो कि दिख रहे होंगे आपको। ऊपर और आम लगे हैं, देखिए दिख रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे आम हैं जो कि। उसका मेरा मोबाइल उतना सही नहीं है, तो उतना खास फोकस नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो भी है बढ़िया है। धन्यवाद। आगे का नज़ारा अभी दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, तो हम लोग ये जो आपको ये वादी दिख रही है, इसमें पानी भरा है, तो हम लोग अपनी बोर से पानी भर देते हैं इसमें, जो कि ये भैंस और ढोर होते हैं ना, गाय, इनके लिए भर देते हैं। तो ये इसमें आती हैं, वो पानी पीती हैं, जो कि अभी आधी भरी हुई है। और लाइट आ जाएगी तो मैं मोटर चालू कर दूंगा, जिससे फुल भर जाएगी, फिर भैंस ढोर आएंगे तो इसमें पानी पियेंगे और मस्त चारा चरेंगे।
ये दोस्तों ये आमों का बगीचा है, जो कि आपको इतनी दूर से मेरा मोबाइल उतना साफ नहीं है तो आम नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए कितने आम हैं, जो कि बहुत आम अच्छा फरा हुआ है, जो कि मेरा ये देखिए सर भी लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं जो कि अपनी मूँग के करीब आने ही वाले हैं, जो कि चलते हैं आगे का नज़ारा कैसा है। हमारे बगल में जिनका खेत है उनकी मूंग है, यहाँ बहुत खचा भरा हुआ है देखिए ये, तो इससे पार कैसे जाएंगे भैया। जरिया है, जरिया को नाक कर हम आ चुके हैं, जो कि मूंग के पास में पहुँचने ही वाले हैं, जो कि मेरे मोबाइल में थोड़ा ये क्या हो जाता है, लाइट मद्दी हो जाती है, अपने आप चालू हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए हमारे एक बगल का खेत कट चुका है, जो कि पूरा देखिए भैया मेरे में तो चारा है, मुझे तो घाटा खल गया है मूंग में, जो कि मेरी 10,000 की लगत आ गई और बहुत ही घाटा खल चुका है। देखिए मेरे बगल में की मूंग